देश की वित्तीय प्लानिंग के लिए हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। गुरुवार को भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इस वजह से ये यूनियन बजट पेश नहीं किया जाएगा। गुरुवार को वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट में वो कुछ महीने के वित्तीय खर्चों के बारे में जानकारी देंगी। बजट के अलावा हर महीने पहली तारीख को कई वित्तीय नियमों में बदलाव होता है। इन वित्तीय नियमों का असर आपकी जेब पर भी देखने को मिलता है। गुरुवार से एक नया महीना शुरू होने जा रहा है, ऐसे में कौन कौन से वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं अभी आपको हम बताते हैं। हर महीने की पहली तारीख को देश भर में LPG की कीमतों में रिवाइज किया जाता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों को अपडेट करती हैं। ऐसे में देखने की बात होगी कि बजट वाले दिन LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती होगी या फिर बढ़ोतरी। आपको बता दें कि सिलेंडर की कीमत में बदलाव का असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। अब बात करते हैं फास्टैग की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्टैग EKYC अनिवार्य कर दिया है। जिन भी यूजर्स ने फास्टैग के लिए EKYC पूरा नहीं किया है, उनके फास्टैग 1 फरवरी से निष्क्रिय हो जाएंगे। फास्टैग EKYC इसलिए अनिवार्य किया गया है क्योंकि बाजार में कई डुप्लीकेट फास्टैग हैं। इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए EKYC का फैसला लिया गया। धन लक्ष्मी FD स्कीम। पंजाब एंड सिंध बैंक ने ग्राहकों के लिए एक स्पेशल FD स्कीम लॉन्च की थी। इस स्कीम का लाभ धन लक्ष्मी 444 दिन FD है। इसमें निवेश की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2024 है। इस FD का टेन्योर 444 दिन है। इस पर बैंक द्वारा 7.4% और सुपर सीनियर को 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। IMPS मनी ट्रांसफर। वर्तमान में एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक के चक्कर अब नहीं काटने होंगे। ऑनलाइन चंद मिनट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर करने के लिए IMPS भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब 1 फरवरी 2024 से यूजर केवल रिसीवर के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।